डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था को और हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिताया। इतना ही नहीं, उनका जीवन खास तौर पर दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्षशील रहा। उन्होंने हमेशा महिलाओं को शिक्षा देने पर जोर दिया। वहीं भारतीय राजनीति के कई शीर्ष पदों पर आसीन रहे बाबू जगजीवन राम न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ, सक्षम मंत्री एवं योग्य प्रशासक भी थे। इतने ही नहीं, वो एक कुशल संगठनकर्ता और सामाजिक विचारक और सफल वक्ता भी थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला व भोजपुरी में उनके विचारों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे और अपने आवाज से वो संसद में भी लोगों को निरुत्तर कर देते थे। इन्हीं महान हस्तियों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हुए असम के रहने वाले दिगंत साइकिया समाज की सेवा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज व देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी सिलसिले में दिगंत साइकिया का दिल्ली में बाबू जगजीवन राम जी के 36वें राष्ट्रीय समर्पण दिवस के कार्यक्रम में आना हुआ। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शान रहे दिगंत साइकिया की स्पीच ने हॉल में बैठे सभी लोगों का दिल जीत लिया। मोर परम श्रद्धार बाबू जगजीवन राम कला संस्कृति तथा साहित्य अकादमी सभापति सम्पादक महोदय, पहले मैं बाबू जगजीवन राम जी के शरण कमलों पर अपने को नौछावर करता हूँ। दिगंत साइकिया की स्पीच को लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट प्रोफेसर राजू सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिगंत साइकिया को अंबेडकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर दिगंत साइकिया बड़े खुश दिखे। इसके उपरांत दिगंत साइकिया ने खुला मंच से बात की। आज का जो कार्यक्रम है, खास कर से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बाबा साहेब के नाम से जो अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड बहुत काम करने वाला लोगों को दिया गया है। अभी हमने यहाँ आकर महसूस किया कि बाबू जगजीवन राम जी के ऊपर जो संस्था बनाया गया है, वह संस्था जो काम करता है, वो श्रद्धा का पात्र है। हम सभी को थैंक्स के बोलते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर आया और हमको सोच किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और सभी को थैंक यू। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर राजू सरकार ने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार रखे। जो प्रदेश है वहाँ से कुछ सिलेक्टिव सोसाइटियल जो काम करते हैं उन लोगों का हमने अवार्ड देने के लिए यहाँ पे गैदरिंग हुए थे। आज एक ऑस्पिशियस डे भी है क्योंकि आज 36 पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम जी की, जो हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। उनके आज पुण्यतिथि में जो हमने आज गैदरिंग किया, इस तरह का गैदरिंग हर साल होना चाहिए। और इसमें क्या है कि सोसाइटी के जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लास में जो लोग रहते हैं, उनको ये मौका मिलता है जो आगे की तरफ आने के लिए, और जो एक मेन सोसाइटी है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ पे एक मौका मिलता है मॉडर्न सोसाइटी के साथ एक कंपटीशन या कॉम्पीट करने के लिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि देश में कितना प्रगति हो रहा है। और उनके अपने जो गांव के जो डिटेल्स है, गांव के जो भी तथ्य है, वो भी अगर इस मॉडर्न सोसाइटी में लाते हैं तो हो सकता है कि उनका तथ्य मॉडर्न सोसाइटी के तथ्य से बहुत ऊपर भी हो। तो इसीलिए इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म दैट आई विल रियली एनकरेज एंड होप टू ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ इवेंट इन आवर नेक्स्ट ईयर टू। थैंक यू वेरी मच। दिगंत साइकिया असम में समाज सेवा में कभी पीछे नहीं रहते। साइकिया गरीब व असहाय लोगों व बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, वे गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, साथ ही साथ उनके साथ खेलते हैं और उन्हें अलग अलग तरह के खेल भी सिखाते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। और तो और, दिगंत साइकिया ने गरीब बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिए ताकि बच्चे संगीत सीखकर देश का नाम रोशन करें। दिगंत साइकिया सत्य, सेवा भाव और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो, सब आगे बढ़े, सब पढ़े, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके। दिल्ली से जयराम की रिपोर्ट।